मैं अपने में आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में, पीनट लाऊं। हाँ तो गाइस फाइनली लोकेशन हमें मिल चुकी है। देखो लोगों की हरकतें, शूट अंदर सेल्फी ली जा रही है बढ़िया बढ़िया वाली। हेलो राम राम जी, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं दो दिन से किसी कारणों से, मतलब पर्सनल रीजन से मैं व्लॉग नहीं कर पाया दो दिन से। मतलब शुक्रवार को तो मैं कहीं चले गया था किसी काम से, तो मैं दिन में 11:30 बजे गया ऑफिस से आने के बाद, तो शाम को 5 बजे आया, फिर बहुत ज्यादा थक गया इसलिए व्लॉग वहां पे किया भी नहीं और कर भी नहीं पाया, और फिर शाम को तो थक ही गया था और 5 बजे बाद क्या ही व्लॉग करता। और कल किसी कारण से मैं बहुत ज्यादा बिजी था, उस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो आज शनिवार है और मैं एकदम नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, लेकिन पूजा अभी नहीं कर रहा हूँ, चाय मैंने पी ली है। वापस से आएंगे घर, फिर नहा धो के वापस से पूजा करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और ऑफिस के लिए मैं लेट हो जाऊंगा इसलिए मैंने पूजा नहीं की। तो वापस ऑफिस से आके और फिर पूजा करेंगे। तो अभी चलते हैं ऑफिस और मिलता हूँ आपसे फिर घर आ करके। हाँ तो गाइस बढ़िया नींद के बाद मैं फिर से रेडी हो चुका हूँ, और आज सोमेंद्र की गाड़ी का रिव्यू है जो कि मेरे दूसरे YouTube चैनल पे आएगा, और पहली वीडियो शूट होनी है उसकी, तो वो उसके लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन सी लोकेशन चूज़ करते हैं, अभी कोई लोकेशन चूज़ नहीं की है, बाकी एक अच्छी सी लोकेशन चूज़ करेंगे और वीडियो को शूट करेंगे, और वो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। मैंने दूसरा चैनल बनाया है कार रिव्यूज़ के लिए, तो वो उस चैनल पे वीडियो आएगी। तो अभी मैंने सोमेंद्र को फ़ोन किया था, तो वो बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, तो 10-15 मिनट में आ जाता है, फिर उसकी कार का रिव्यू करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन करा रखा है उसने। मॉडिफिकेशन मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, साउंड वगैरह और काफ़ी काम किया कराया था बाहर से आफ्टर मार्केट। तो दिखाते हैं आपको, और दूसरे मतलब चैनल को भी प्यार देना, और दूसरे चैनल पे वो वीडियो आएगी, तो शायद हो सके तो कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगी। तो आज शूट कम्प्लीट हो जाएगा, तो शायद परसों वो वीडियो आ जाए। तो अभी चलते हैं और रिव्यू करते हैं उसकी गाड़ी का, और प्यार देना जैसे इस चैनल को दे रहे हो वैसे उसको भी प्यार मिले। और ये मुझे जहाँ तक लगता है इसकी गाड़ी है ना जयपुर की सबसे लाउडेस्ट मारुति 800 में से आती है, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड लगा हुआ है। तो चलते हैं एक बार, और मैंने बढ़िया दिन भर नींद ले ली है अच्छी सी, तो एकदम फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ। तो चलते हैं उसी गाड़ी का रिव्यू करेंगे अच्छा सा, और दिखाता हूँ आपको साथ साथ, अपना व्लॉगिंग चैनल तो कंटिन्यू है ही, तो व्लॉग भी करते हैं। उठ चुका हूँ और नानी आई हुई है, दिखाऊँ नानी को, दिखाता हूँ मेरी नानी आई हुई है, तो वो बैठी है बाहर, तो दिखाता हूँ। तो गाइस ये बैठी मेरी नानी, ये है नानी, और वो लड्डू खेल रही है। मैं अपने में आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में, पीनट लाऊं? ठीक है पीनट ले आऊंगा, है ना? ठीक है, कोई काम से जा रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है। गाइस फाइनली सोमेंद्र का फोन आ गया है मेरे पास, और वो नीचे पुलिया पे खड़ा है, तो मैं जा रहा हूँ उसके पास, तो अभी उसके पास पहुँच लेता हूँ। तो गाइस मुहूर्त ऐसा हुआ है, पहले मैं बंद कर दी भाई ने तो और अभी आ चुका है और अब निकल चुका है वीडियो शूट के लिए। तो अभी एक बार लोकेशन पे पहुंच लेते हैं, लोकेशन अभी फाइनल सोच रहे हैं कौन सी लोकेशन है, तो लोकेशन पे पहुंच के मिलता हूँ आपसे, तब तक आप एक अच्छा सा टाइम लैप्स भी एंजॉय करना। लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, और लोकेशन कुछ ऐसी है देखो मेरे पीछे, और ये खड़ी भाई की गाड़ी, तो स्टार्ट करते हैं एक बार, और वो खड़ा भग रहा है दूर, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, बाकी कॉपीराइट नहीं आ जाए क्योंकि यहाँ पे भजन चल रहे हैं, मंदिर का लोकेशन है,
तो देखते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली लोकेशन हमें मिल चुकी है अच्छी सी, और अभी कुछ पता भी नहीं है, यहाँ टिकट भी लग सकता है तो अभी हम अंदर तो घुस चुके हैं। बाकी एक बार लोकेशन देखो आप, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो ये देखो आप लोकेशन, कितना प्यारा व्यू है। और ये देखो, ये देखो, और ये प्राचीन गोविंद देव जी का मंदिर है ये सामने वाला, और इधर भी एक मंदिर है नटवर जी का। तो ये देखिए, ये है, ये तो ये है, बहुत अच्छा मतलब व्यू आ रहा है एकदम हटके। आरती हो जाए, आरती होने के बाद चालू करते हैं वीडियो और कंप्लीट करते हैं थोड़ी सी देर में। फर्स्ट वीडियो है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कई बार कर लेते। देखो लोगों की हरकतें, कितनी गंदी हरकतें हैं ये देखो। मतलब मंदिर परिसर में दारू पी के फेंक रखी है इन्होंने, तो सुधरते नहीं है ये लोग। बाकी ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा पैलेस है, फिर भी लोग बाग आदतों से बाज नहीं आते। फोटोशूट अंदर वो सेल्फी ली जा रही है बढ़िया बढ़िया वाली, ये देखो आ गई, और ये मस्त सेल्फी आ गई। तो गाइज मैं घर आ गया था सोमेंद्र के साथ वीडियो शूट करके उसकी गाड़ी का, और अब एडिट करेंगे वीडियो को और डाल देंगे फिर नए वाले चैनल पे। और आप सभी जाकर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस चैनल का। और दूसरी बात ये कि अभी मैं मतलब मंदिर जाके आ गया था दोबारा, तो सर के गया था विशाल और सब कह रहे हैं कि शादी में चल, तो रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल, शादी में जा रहा हूँ। और जो शूज मंगाए थे ना मैंने जिम के लिए, वही पहन करके जाऊंगा। तो दिखाता हूँ वो शूज कौन से मंगाए थे मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, ज्यादा महंगे तो है नहीं, जिम के लिए मंगवाए थे। तो दिखाता हूँ गाइस, ये कुछ इस तरीके के शूज है जो कि सेगा के शूज है, और ये मैंने जिम के लिए मंगवाए थे रनिंग के लिए, तो वैसे अच्छे लग रहे हैं। तो आज इसको एक बार शादी में पहनकर जाएंगे, ये ट्राई करते हैं आज। तो चलते हैं और मिलाता हूँ आपसे कौन कौन। तो गाइस शादी में पहुंच चुके हैं सर के साथ, लक्ष्य भाई से हेलो। हेलो, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, वेरी ब्यूटीफुल पीपल और वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बढ़िया, समझ में नहीं आया मांगने वाला आप होने घर का, कृपया थोड़ा सही से बोले एक बार। तो गाइज मैं शादी में से वापस आ चुका हूँ और सभी वापस आ गए, और अभी घर पहुंच चुका हूँ, मैंने चेंज कर लिया। और अरे यार ये क्या टी शर्ट भी उल्टी पहन ली, ठीक है कोई नहीं। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और अपनी एसी भी चल चुकी है तो मस्त सो जाएंगे, और तब तक के लिए ये टिंकल भी आ गई आपको बाय करने के लिए, और तब तक के लिए बाय।